हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्य भैया, सभी दोस्तों को राम राम। आज हम क्लास टेंथ में फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप और हम डिस्कस करेंगे या हम बताएंगे, और चैप्टर होगा फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे आज हम उनको बताएंगे। आप पेन और कॉपी लेके साथ में बैठ जाना और आप उनको नोट करते रहना, ठीक है दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट के, और आप उन चैप्टर फर्स्ट के जो जो हम टॉपिक बताएं उनको आप क्लियर कर लेना। मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% से लेके 90% अगर इन्हीं टॉपिक से आएगा, पक्का 80 से लेके 90% तक इसी से आएगा। और नहीं तुम पेपर आए तब देख लेना कि क्या कहा, क्या क्या टॉपिक थे, उनको नोट कर लिया और फिर मुझे बता सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। 80 से लेकर 90% इन्हीं टॉपिक से आएगा, इस टॉपिक से बाहर जाएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और हम अब चैप्टर फर्स्ट के जो टॉपिक हैं उनको क्लियर करते हैं, ठीक है दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट के जो टॉपिक हैं उनको आज हम क्लियर करते हैं। लेकिन मुझे पता है आपने लाइक नहीं किया हुआ, लाइक कर जरूर कर दें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट का अवश्य ध्यान रखें। लाइक कर दिया, चलो ठीक है। अब हम चैप्टर फर्स्ट से कुछ परिभाषाएं हैं, क्या है कुछ परिभाषाएं, उनको आज हम क्लियर करेंगे चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। आप नोट करते जाना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है दोस्तों। पहला प्रकाश क्या है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश और प्रकाश के गुण। अब आप प्रकाश के गुण में जैसे आपको क्या करना है, प्रकाश की खोज किसने की थी, ठीक है दोस्तों। प्रकाश की चाल कितनी होती है, समझे दोस्तों। प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है, वायु में कितनी होती है, निर्वात में कितनी होती है, मतलब भाई जैसे जैसे माध्यम चेंज होते जाएंगे प्रकाश की चाल उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो आपको जो प्रकाश है और प्रकाश के गुण हैं उनमें जो जो खोज किसने की थी, प्रकाश की चाल क्या होती है, कैसे क्या है, ये सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हमको सब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने डाल दिया प्रकाश। दूसरी परिभाषा आती है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड, अच्छा एक इससे ही आता है प्रकाश का परावर्तन, और चलो तीसरे अगले टॉपिक में लिख देता हूं इसको, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अच्छा एक टॉपिक एक या दो नंबर में आ जाता है प्रकाश का परावर्तन कैसे कहते हैं, एक या दो नंबर आगे में ये भी आ जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो इनको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का अपवर्तन कैसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश डालिए प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश का अपवर्तन ये वाली। अब आती है तुम्हारी प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है दोस्तों। पहले चैप्टर से जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे मैं सभी को नोट करते जा, सभी को मैं लिखाते जाऊंगा, आप बस उन्हें नोट कर लेना। नोट करने के बाद आप किसी भी किताब से, आर्यन से, स्वास्तिक से, राजीव से, किसी भी किताब से आप नोट कर लेना, बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। या कोई मास्टरमाइंड है तुम्हारी, राजीव हो, चित्रा हो, जो कोई भी हो, इन टॉपिक्स को आप क्लियर कर ले, ठीक है दोस्तों। अब आता है तुम्हारा दर्पण। क्या आता है, दर्पण। अच्छा दर्पण कैसे कहते हैं, पहले तो ये ठीक है, दर्पण से फिर बनता है अवतल दर्पण,
अवतर धर्म, धर्मपट पहले दर्पण की परिभाषा हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके दो पार्ट होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। दर्पण में क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण। तो दर्पण का भी हमें पता होना चाहिए, अवतल दर्पण का भी पता होना चाहिए और उत्तल दर्पण का भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इनके आते हैं उपयोग, कि अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग ये भी आ जाता दोस्तों, कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है चार पहिए का वाहन, उसे पीछे का पश्चिम को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसके अवतल दर्पण के जैसे नाक कान गले, इसके लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो मतलब पहले दर्पण की परिभाषा हमें पता होना चाहिए, फिर उसके लिए अवतल दर्पण की परिभाषा हमें पता होना चाहिए, अवतल दर्पण के उपयोग भी पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक 7 में क्या है तुम्हारा, जो गोलीय दर्पण से, जो दर्पण है ना दर्पण से रिलेटेड है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा कैसे, जैसे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस दूरी कैसे कहते हैं, मुख्य फोकस कैसे कहते हैं, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं एक या दो नंबर में कभी कभी अक्सर पूछा जाता है, तो आप उनको भी आप क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, अच्छा बहुत अति महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक आता है कि अगर वस्तु ध्रुव और केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अच्छा, तो इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो इसमें क्या बोलेंगे पता है, देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है वस्तु, ठीक है दोस्तों, सॉरी। अब आते हैं टॉपिक नंबर 9, अब यह अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना था, अब आ जाएगा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, इन टॉपिक्स को आप क्लियर करते जाइए, और अभी मैं इसे साफ करता हूं, आगे कुछ और टॉपिक हैं उनको भी अभी मैं लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, इनको आप नोट कर लेना कॉपी से, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट इसका बहुत ध्यान रखिए आप। ठीक है दोस्तों, अपना प्यार भरपूर दिखा रहे हो आप, हमारा बहुत सहयोग कर रहे हो और आपके लिए भी हम बहुत सहयोग करते हैं दोस्तों। रात को जो जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम क्लियर उनको लिखते हैं, फिर आपके सामने हम उनको प्रस्तुत करते हैं, तो आप उन्हें बहुत अहमता से देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नौवें टॉपिक पर। जो नौवां टॉपिक है वो है तुम्हारा लेंस। क्या है लेंस, तो वही चीज हमें लेंस के बारे में पता होना चाहिए। लेंस भी हुई दो प्रकार, एक तो अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, 10, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना,
अवतलन द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा ये वाला टॉपिक। अब जो मैं अब ये वाला टॉपिक लिखाऊंगा, ये बहुत अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार ये तुमने देखा होगा, क्षमता मतलब लेंस की क्षमता कह सकते हैं। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस। ठीक है दोस्तों, ये पी वाला बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे भी क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, पहले चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे वो मैंने आज आपको क्लियर कराए पहले चैप्टर में, तो आप इनको नोट जरूर कर लेना। नोट करने के बाद पेपर से पहले आप इसे जरूर याद करके जाना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, साइंस का जो पेपर होगा, जो फिजिक्स वाला पार्ट होगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इनसे पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये बात पक्का है। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। आप अपना प्यार बनाए रखें, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए प्यार बनाए रखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लाइक और कमेंट में कंजूसी बिल्कुल न करें। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर पर जाके लिंक दोस्तों के पास अवश्य सेंड करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।